14 फरवरी 2019 ये वो दिन था जब भारतीय रेलवे में एक ऐसी ट्रेन चलाई गई जो आम ट्रेन से बहुत ही अलग थी। सफेद रंगों में रंगी बिजली से तेजी लिए 700 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी को 8 घंटे में पूरा करने वाली ये मेड इन इंडिया वंदे भारत थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, यानी कि 30 सितंबर 2022। और आज उसी वंदे भारत का दूसरा अवतार यानी कि वंदे भारत 2.0 हम सभी के सामने है। और देश की ये तीसरी वंदे भारत गुजरात की राजधानी गांधीनगर को महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक साथ जोड़ने वाली है। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पे और देखिए इस वंदे भारत 2.0 में क्या नई बातें हैं और क्या पुरानी हैं। सबसे पहले तो ट्रेन गांधीनगर अहमदाबाद वडोदरा सूरत होते हुए मुंबई सेंट्रल तक जाएगी। फिलहाल मैं तो अभी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे हूँ, लेकिन गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। और आज के दिन स्टेशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया गया था और स्टेशन वाकई में वैसे ही बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। वैसे आज जो ये वंदे भारत ट्रेन है ना, ये तो फिलहाल चल रही है अहमदाबाद से, लेकिन ये ट्रेन फ्यूचर में यानी कि आने वाले दिनों में गांधीनगर से ऑपरेट होगी और वहाँ से ट्रेन मुंबई सेंट्रल तक चलाई जाएगी। और जब भी इनॉग्रेशन होती है किसी ट्रेन की तो एक चीज़ बहुत ही अच्छी होती है, वो ये कि पूरी रेल फैन कम्युनिटी जो है वो एक साथ जुड़ जाती है और अलग अलग स्टेट से लोग आ जाते हैं ट्रेन को कैप्चर करने के लिए, ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। और आज इतने लोग जो हैं वो हमारे मौजूद हैं। चलो सबका जोश कैसा है भाई? तो बस अपना डिपार्चर जल्दी से होने वाला है, तो जल्दी से अंदर चलते हैं क्योंकि गेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं और किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि शीशे बिल्कुल पानी की तरह साफ़ हैं, इसलिए यहाँ से डिपार्चर आपको बहुत ही अच्छा दिखा सकते हैं, बिल्कुल साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आज इनॉग्रल रन है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी तैयारी जो थी वो की गई थी, स्टेशन बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाया गया था। वंदे भारत जो ट्रेन होते हैं ना, ये ट्रेन सेट्स होते हैं, इनमें कोई एक पर्सनल लोकोमोटिव नहीं होता, बल्कि अलग अलग कोचेज जो हैं वो ट्रेन को पावर करते हैं। तो ये एक ट्रेन सेट है, इसमें कोई लोकोमोटिव जो है वो नहीं लगता है, ये ट्रेन सेल्फ प्रोपेल्ड है। और देखो लोग ना अपने खिड़कियों से बाहर निकल करके वंदे भारत को देख रहे हैं, क्योंकि भाई इस रूट पर पहली बार वंदे भारत ट्रेन चल रही है, तो लोग सोच रहे होंगे कि ये सफ़ेद कलर की कौन सी ट्रेन आ गई। नॉर्मली नीले कलर में और लाल कलर में ट्रेन चला करती है इस रूट पे। और ट्रेन में जैसे आप ऑन बोर्ड रहते हो ना, तो आपको पानी की बॉटल जो है वो मिल जाती है। और देखो बिल्कुल वंदे भारत का प्रिंट जो है इस पर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी यूनिक चीज़ है कि वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हो और वंदे भारत कब जो है। लेकिन हाँ, एक्साइटमेंट इस बात की है कि देखते हैं कि इस ट्रेन की जो कैटरिंग है ना वो कैसी होने वाली है, उसका बहुत इंतजार है मुझे। तो जर्नी में आगे बढ़ने से पहले बात करता हूँ वीगो ऐप की, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है जहाँ से आप फ्लाइट और ट्रेन के टिकट बुक कर सकते हो। और मैंने अपनी आज की वंदे भारत की टिकट जो है ना वो यहीं से बुक की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही चीप रेट में आपको फ्लाइट और ट्रेन की टिकट जो है वो मिल जाती है। और यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको वीगो ऐप पे जाना है, ट्रेन वाले आइकन पर क्लिक करना है, अपना सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन जो है वो चूज करना है, अपनी मनपसंद ट्रेन जो है वो चूज करनी है, डेट ऑफ जर्नी भरनी है और सिंपली अपनी टिकट जो है बुक कर लेनी है। बहुत ही सिंपल है। और एक चीज़ और है कि जिस रूट पर आप ट्रैवल करने वाले हो ना, उस रूट पर आप जरूर से एक बार फ्लाइट के टिकट जो है वो चेक कर लो, क्योंकि होता ये है कि कई बार वीगो आपको ट्रेन से भी सस्ती फ्लाइट देती है, तो ये चीज़ जरूर से आप चेक कर लेना। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वीगो आपको डाउनलोड करिए और अपनी जर्नी इंजॉय करिए। चलिए मैं भी अपनी जर्नी जो है वंदे भारत में इंजॉय करता हूँ। तो ये तो लाजमी सी बात है कि जब भी आप किसी इनॉग्रल रन में जाते हो तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर से मिल जाती हैं ट्रेन में। तो आज यहाँ पे ना एक बढ़िया वेलकम ऑन बोर्ड इंडियाज इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, फ्लैग्ड ऑफ बाई नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। और ये देखो इसके अंदर एक छोटा सा टिकट जो है वो मिल जाता है, ताकि आप इसको ज़िंदगी भर अपने साथ रखो कि आपने पहली बार इस ट्रेन में यात्रा की थी। आप वाकई काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ही साथ ये कुछ मिला है, मेरे ख्याल से ये कप होने वाला है, इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं थोड़ा। हाँ बिल्कुल, ये मग ही है। ओ वाओ, बिल्कुल वंदे भारत की प्रिंट में ये मग दिया गया है, बढ़िया खूबसूरत। ये जैसे काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इंडियन रेलवे की बहुत ही बढ़िया है। और बात करें फैसिलिटीज़ की, तो इस ट्रेन में आपको पुराने वंदे भारत की तरह वो सारी फैसिलिटी जो है वो मिल जाती हैं, जैसे कि
एक बड़ी सी LED स्क्रीन जो कि पहले 24 इंच की हुआ करती थी अब 32 इंच की है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, स्पीड, नेक्स्ट हॉल्ट और साथ ही साथ टाइम जो है आपको यहाँ पर दिख जाता है। एक ऑटोमेटिक डोर जिसमें बिल्कुल आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुल जाता है। CCTV कैमरास, एमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, यानी कि आप यहाँ डायरेक्ट लोको पायलट से बात कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले वाले वंदे भारत में सिर्फ यहीं पे हुआ करता था, इस वाले एरिया में, लेकिन कोच के बीच में भी ये एमरजेंसी टॉक बैक यूनिट जो है वो मिल जाता है, तो आराम से आप यहाँ से लोको पायलट से बात कर सकते हो और ट्रेन को रोक सकते हो। और ऑटोमेटिक लाइट जो कि सेंसर युक्त हैं, बस आप यहाँ पर टच करो और लाइट्स जो हैं वो जल जाती हैं, और वापस से टच करो तो ये ऑफ हो जाती हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। चार्जिंग सॉकेट जो बिल्कुल सीट के नीचे आपको देखने को मिलते हैं पुरानी वंदे भारत की तरह। एक साइड पेंट्री जहाँ पे आपका सारा जो खाना है वो तैयार होता है, गर्म होता है, बिल्कुल पुराने वाले वंदे भारत की तरह। तो ये तो सारी चीज़ें थी जो कि पुराने वाले वंदे भारत में भी थी, लेकिन इस ट्रेन में यानी कि 2.0 वंदे भारत में क्या नया है? तो सबसे पहले अगर बात करें सेफ्टी की ना, तो इस ट्रेन में कवच इंस्टॉल किया गया है, मतलब कि जो ट्रेन कोलिजन होता है उसको अब रोका सकता है। और पहले की तुलना में बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम और साथ ही साथ ऑन स्क्रीन सिग्नलिंग जो है वो लोको पायलट देख सकते हैं, मतलब कि अब उनको बार बार सिग्नल पर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, स्क्रीन पर ही सिग्नल जो है वो देख सकते हैं। तो सेफ्टी के लिहाजे से ये सारी चीज़ें जो हैं वो 2.0 में अपडेट की गई हैं। बात करें पैसेंजर कम्फर्ट की, तो सबसे पहली बात तो सीट का कलर जो आपको चेंज नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ है, पहले जो पुशबैक था जो कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास में था, अब ये जो पुशबैक है ये नॉर्मल AC चेयर कार में भी आ गया है, तो आप आराम से पुशबैक करके सो सकते हो और अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आपको वाईफाई इंफोटेनमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि नेट नहीं चलेगा लेकिन यहाँ पे पहले से ही प्री डाउनलोडेड आपको मूवीज़ मिल जाएंगी जो कि आप अपने फ़ोन पे देख सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाई की गई हैं। तो बस पहुँचने वाले हैं, पहुँच चुके हैं वडोदरा, और ये आज का तो पहला हॉल्ट है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में ये सेकेंड हॉल्ट होगा। गेट खुलने का इंतजार। पावरफुल ब्रेक है इसमें। इसमें बताया गया 30% मोर वो कुछ तो एफिशिएंट किया गया ब्रेकिंग को। चलो गेट खोलो। ओ देखिए, आज इनॉगरल रन है तो ज्यादा कुछ मैं बात नहीं करने वाला स्टेशन की, बस पहुंच चुके हैं वडोदरा, जिसका शॉर्ट कोड है BRC, और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। अपना जो लंच है वो भी सर्व हो चुका है, तो वो देखते हैं कि ट्रेन का लंच जो है वो कैसा होता है। और यहाँ पे हमारे अभिषेक भाई फ्लो ब्लॉग्स वाले यहाँ पे ट्रेन को डिबोट कर रहे हैं, और आपको भाई हैप्पी जर्नी, आपकी आगे की जर्नी जो है वो शुभ हो, अच्छी हो, ठीक है, मिलते हैं आपसे कभी। तो भाई डर से हम गेट पे ही खड़े, क्योंकि टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का। बाकी बात करें वडोदरा की, उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो रतलाम की तरफ निकल जाती है, एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि अहमदाबाद, और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है मुंबई की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है केवड़िया की तरफ जहाँ पे हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो स्थित है। चलिए, दरवाजे जो हैं वो भी बंद हो चुके हैं। अच्छा है, उनके मंदिर थे, बाहर जाके कोई रिस्क नहीं जाते यहाँ पे। और वडोदरा के बाद ना अपना लंच जो है वो सर्व हो गया, जिसकी मुझे बहुत देर से तलाश थी। चलिए फटाफट सभी चीज़ों को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि खाने में हमें क्या मिलता है और इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। तो वंदे भारत में देखो, गुजरात में है तो थेपले जो है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये नॉर्मल पुलाव जो है वो मिल जाता है, भिंडी जो है बिल्कुल क्रंची सी वो मिल जाती है, और ये है, और ये जो है ये कढ़ी है, ये पनीर की सब्ज़ी है, और थेपले तो मैंने आपको दिखाई दिए। तो ये चीज़ें मिलती हैं आपको वंदे भारत में। हालांकि हमारे जो को पैसेंजर हैं सौरभ भाई, उनको कुछ अलग मिला हुआ है, देखो इनको मलाई कोफ्ता जो है ना वो मिला हुआ है, तो मलाई कोफ्ते का स्वाद जो है वो इनसे पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वाले वंदे भारत का जो फूड है ना वो हमारी पुरानी वंदे भारत की तुलना में कैसा है। ये है थेपले, जो कि गुजरात में बहुत ही फेमस है, और इनको पता नहीं कैसे खाते, लेकिन मैं तो पनीर तक खाने वाला हूँ यार, वाकई अच्छा लग रहा है। एकदम टॉप नॉच स्वाद है, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, कढ़ी भी वाकई अच्छी है। और हाँ, एक चीज़ आपको बताया, गुजरात में आप कुछ भी खाओ हल्का सा मीठापन जो है ना वो रहता है खाने में, ये स्पेशलिटी है, पता नहीं मुझे लगता है ऐसा, बाकी जो लोग गुजरात से ज़रूर से मुझे बताना। ओवरऑल जो लंच है वो बहुत ही बढ़िया है, कंपेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अलग टच है, उसका एक अलग टच है गुजरात में अगर आप आते हो तो। हिसाब से खाने की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, और
अगर बात करें रेटिंग की ना, तो रेटिंग मैं देता नहीं, लेकिन इसको मैं 9 out of 10 जो है वो ज़रूर रेटिंग देना चाहूँगा कि वाकई बहुत ही बढ़िया है। और एक और चीज़ है कि सौरभ भाई को कोफ्ते जो है वो मिलते हैं, मतलब कि मैंने मंगवाए नहीं, पर एक बार कोफ्ते जो है वो ट्राई कर लेते हैं। अच्छे हैं, अगर आप थेपले की बात करो तो पता नहीं हल्का सा मिठास तो रहता ही है, मतलब और खाने के बाद मीठे में आपको श्रीखंड जो है वो मिल जाता है। और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन भरूच रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और इस स्टेशन के तुरंत बाद खूबसूरत नर्मदा रिवर जो है ना वो आती है। तो फिलहाल अभी हम नर्मदा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और सामने आप जो ब्रिज देख रहे हैं ना वो वाला, मैं इस ब्रिज की बात कर रहा हूँ। इस ब्रिज में इतना सारा लोहा है ना कि एक बारी को रिलायंस ने ये ऑफ़र किया था कि ये ब्रिज अगर आप हमें दे दो तो हम यहाँ 4-lane road जो है वो बना के दे देंगे और बाकी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है यार कि इतना पुराना ब्रिज जो है वो अभी तक जिंदा है। और फिलहाल अभी हम नर्मदा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए सूरत आने वाला चलते गेट पे, क्योंकि इस ट्रेन में गेट नहीं खुलते, सिर्फ जब स्टेशन आता है ना तभी गेट्स खुलते हैं। पहुंच चुके हैं इंडिया के टेक्सटाइल सिटी सूरत में और वैसे यहां पहुंचने का सही समय था 2:25 और हमारी ट्रेन जो है वो 5 मिनट लेट पहुंची यहां पे। बाकी एक चीज़ और है कि यहां हमने आते आते करीब 230 किलोमीटर का जर्नी जो है पूरी कर ली है और ये डिस्टेंस यानी कि 230 किलोमीटर को कवर करने में हमारी ट्रेन ने अराउंड 2 घंटे 30 मिनट का वक्त लिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, दो घंटे तीस मिनट और 230 किलोमीटर का सफ़र वाकई बहुत ही बढ़िया है। तो अपना डिपार्चर जो है वो सूरत से हो चुका है, बिल्कुल बस 3 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी थी और मुझे लगता है कि कई लोग तो सिर्फ सूरत और बड़ौदा में ही ट्रेन को डिबोट कर दिए, बस देखने के लिए आए थे कि ट्रेन है कैसी। देखो कितनी भीड़ है, लोग देखो सेल्फीज ले रहे हैं, बाहर फोटोग्राफी कर रहे हैं ट्रेन को लेकर, क्योंकि भाई रूट पर पहली बार ये ट्रेन चल रही है। और हमारे साथ सर आपका नाम क्या है? विजय अजमेरा। सर आप पहली बार वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ जी सर। इससे पहले वाराणसी वंदे भारत या फिर जम्मू वाली वंदे भारत कभी ट्रैवल नहीं किया? नहीं सर, उसमें नहीं किया, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है? एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन सर जितना मतलब सुना था ट्रेन वो फैसिलिटीज काफी सारी अच्छी है, लेकिन एक चीज से मेरी नाराजगी है, जैसे यहाँ से डबल डेकर चलती है अहमदाबाद मुंबई रूट के ऊपर, तो इसमें मैं सोचा सीट थोड़ी ज्यादा चौड़ी होगी, उसमें भी 3+2, इसमें भी 3+2 है, सीट का साइज वही है सर। और फिलहाल अभी हम हाई स्पीड में उड़ना जंक्शन को स्किप कर रहे हैं और यहाँ से जो लाइन है और यहाँ से ये जो जलगांव वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है और इसीलिए उड़ना को जंक्शन बोलते हैं, सूरत जो है वो जंक्शन नहीं है। और ये है ट्रेन का एग्जीक्यूटिव क्लास, इसमें आपको सब कुछ नया लग रहा होगा। देखो क्या बढ़िया प्रीमियम कलर में सीट जो है वो डिज़ाइन की गई है, कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, इससे बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आ रही है। और देखते ही सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आई कि आप पुराने विस्टाडोम की तरह, जैसे कि विस्टाडोम में होता है कि आप अपने सीट्स को कुछ ऐसे 180 डिग्री जो है वो रोटेट कर सकते हो, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब ये पहले नहीं थी, लेकिन नए वाले 2.0 अपडेट में आपको ये चीज़ जो है वो नहीं देखने को मिलती है। बाकी अगर बात करूँ सीट के कम्फर्ट की, तो नो डाउट चेयर कार के मुकाबले में एग्जीक्यूटिव क्लास का जो सीट्स है ना वो वाकई बहुत ही कम्फर्टेबल है और इसमें भी जो पुशबैक है वो तो होगा ही और वाकई में इसमें ज़्यादा आराम है। तो हमारे साथ एक और पैसेंजर नदीम सर भी ट्रैवल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में, अब इनका एक्सपीरियंस जो है वो जानते हैं कि इनको कैसा लगा इसमें ट्रैवल करके। जी हमें बहुत अच्छा लगा ट्रेन में आके और ये तकनीक जो यूज़ की गई है काफ़ी बेटर है और फार बेटर देन तेजस एक्सप्रेस। तो ये अमन भाई जो है ये मिल गए और पिछली बार हमें मिले थे दर्शन में, यानी कि आज से करीब 2 साल पहले ना, तो वही टाइम हो गया 2020 में, तो कुछ ऐसा दिखा करते थे हम भाई, देखो काफ़ी अच्छा लगा है जब लोग मिलते हैं और कुछ पुरानी चीज़ें जो वो शेयर करते हैं। चलो अमन भाई बहुत बहुत थैंक यू भाई। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि वैशाली में हमेशा ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ का फूड जो है वो कैसा लगा? मतलब अभी आप चेयर कार में गई थी, वहाँ का फूड देखा, यहाँ के फूड में क्या अंतर है? फूड में अंतर ये है कि श्रीखंड हमें एडिशन में दिया है,
लस्सी भी यहाँ पे लोगों को दी है, मुझे अभी तक दी नहीं है क्योंकि मैं इधर घूम रही थी, और आइसक्रीम दिया. आई डोंट नो वेदर तुम लोगों को आइसक्रीम दिया है. आइसक्रीम नहीं दिया. ओके, तो इनको आइसक्रीम नहीं. सो दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम योर एंड देयर. बाकी तो पराठे थे, पराठे की थेपली थे वो. अच्छा, तुम लोगों को तो थेपले मिले थे. वाह वाह, हमको तो पराठे मिले थे. तो मतलब तुम लोगों को ज्यादा अच्छा मिला था. ठीक है, कुछ हाँ. तो खाने में बस ये तीन चीजें ज्यादा है. तो मैम गुजरात के, इसलिए इनको अच्छा लगा. बाकी दिव्यांग कड़ी अच्छी लगी. बाकी दिव्यांग सर जो है वो बिहार के हैं, तो ये तो मिस कर रहे होंगे पक्का से. हाँ, ऑफ कोर्स दाल मिस कर रहा हूँ मैं, और पनीर की सब्जी अच्छी थी, और बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी. मतलब जो ग्रेवी था वो भी बहुत अच्छा बनाया था, और बस वही था कि मैं मीठी लाइक कड़ी पसंद नहीं करता हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे गुजराती कुजीन में थोड़ा प्रॉब्लम था. तो बाकी खाना ओवरऑल इज़ गुड. तो भाई देखो, ये है इसी का इवनिंग टी. अब देखते हैं कि हमारे यहाँ सीसी में क्या मिलता है. चलो भाई, इन्जॉय करो आप लोग. थैंक यू. और पता है, आज का दिन ना लोग एकदम फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. मतलब कोई खास यहाँ पर ट्रैवल करने आया नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस करने आया है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में. तो एग्जीक्यूटिव क्लास में आपने देखा कि कितना बढ़िया इवनिंग टी जो है वो दिया गया था, कितनी सारी चीज़ें थी. और यहाँ देखो तो आपको सिर्फ एक समोसे और ये भाकर बड़ी जो है वो मिलता है, एक जूस और ये आपकी चाय. तो ये हमने स्किप किया वलसाड रेलवे स्टेशन को. और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि बहुत लोग जो है ना इसको बुलेट ट्रेन से तुलना कर रहे हैं कि ये बुलेट ट्रेन है, पर ऐसा कुछ नहीं है. ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर पर आवर की सीमित है. मतलब ये ट्रेन उतना रफ्तार में चल सकती है. हालांकि ट्रेन की जो ऑपरेशनल स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन ट्रेन 180 किलोमीटर की रफ्तार में चल सकती है. और न्यूज़ में आपको सुनने को मिला होगा कि ये ट्रेन जो है वो बुलेट ट्रेन से तेज़ है. अब देखो, स्पीड के मामले में तो तेज़ नहीं है क्योंकि ये ट्रेन 130 की रफ्तार में चलती है, लेकिन इस ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है ना वो बुलेट ट्रेन से कहीं ज़्यादा अधिक है. कैसे? क्योंकि जो पुराने वाली वंदे भारत थी वो 55 सेकंड्स में 100 किलोमीटर की रफ्तार को छूती थी, टच करती थी, लेकिन ये ट्रेन जो है वो सिर्फ 52 सेकंड्स में 100 किलोमीटर की रफ्तार को छू लेती है. तो इसी कारण से ये बुलेट ट्रेन से तेज़ है, और बुलेट ट्रेन जो है वो 55 सेकंड्स ही लेती है. तो इसलिए ये ट्रेन एक्सेलरेशन के मामले में, इनिशियल एक्सेलरेशन के मामले में बुलेट ट्रेन से काफ़ी अच्छी. और जल्दी हमारी मुलाकात मुंबई राजधानी से होती है, और इसके ठीक पीछे पीछे अगस्त क्रांति राजधानी भी आ रही होती है, और वो भी कुछ देर बाद हमें मिल जाती है. तो ये दोनों ही ट्रेनें बिल्कुल एक दूसरे के पीछे पीछे ही चलती हैं. और वैतरणा क्रीक पार करते ही अब मुंबई बिल्कुल करीब थी, पास में थी, और हमारी ये छोटी जर्नी जो थी वो बस ख़त्म होने वाली थी. फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. बाकी ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा. और ये हमारा एक्सपीरियंस था वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो और हम सब रेल फैन हैं. मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. और वंदे मातरम.